बाबर आजम ने श्रीलंका प्रीमियर लीग में ना कर दी। आप लोग ये सुनकर हैरान और परेशान हो गए वो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, बाबर आजम इस साल श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए श्रीलंका तो जा रहे हैं, उससे पहले ही बाबर आजम ने श्रीलंका प्रीमियर लीग के जो मालिक है, जिसने खरीदा है बाबर आजम को, यानी कि जो कोलंबो स्ट्राइकर के मालिक है, बाबर आजम खरीदने वाली टीम है, उनकी तरफ से बाबर आजम ने साफ साफ ना कर दिया है। इस तरह से ना की है कि जो उनकी टीम है वो एक बहुत ही बड़ी टीम है और उसने एक ऐसी शर्ट का इंतखाब किया है जो वो शर्ट है जुए और सट्टेबाजी में मुलव्वस रह चुकी है, और जो उनकी टीम है वो एक ऐसी शर्ट पहनती है जो जुए और सट्टेबाजी में मुलव्वस है दो लंबरी में, और बाबर आजम है जो वो साफ साफ कह चुके हैं कि मैं ऐसी शर्ट नहीं पहनूंगा जिसमें सट्टेबाजी और जुएबाजी का नाम स्टैंप या मोनोग्राम लगा हो। तो जिसके बाद बाबर आजम ने साफ साफ इनकार कर दिया है, और जिसके बाद जो उनकी टीम है कोलंबो स्ट्राइकर उनके मालिक है, उनकी तरफ से जवाब आया है और कहा है हम ऐसी शर्ट हाजिर नहीं पहनेंगे जिससे आप और हम तंग हो और जिस शर्ट के ऊपर जुएबाजी और सट्टेबाजी का मोनोग्राम या स्टैंप या कुछ लिखा हो, तो हम लिहाजा इस ऐसी शर्ट को इग्नोर करेंगे और ऐसी कंपनी को भी इग्नोर करेंगे, और लिहाजा हम ऐसी शर्ट नहीं पहनेंगे, आप बिल्कुल खेलने के लिए रेडी हो जाएं। तो जिसके बाद बाबर आजम ने अपनी बात तो मनवा ली है, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर और लोग इस बात को सराह भी रहे हैं, कुछ गलत अंदाज से पेश भी कर रहे हैं। आप लोगों को यह मालूम होगा कि पाकिस्तान का जो नाम है रिश्वत के लिहाज से और सट्टेबाजी के लिहाज से और जुए के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर है, और कहा यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो बेशतर पिछले दिनों में वो सट्टेबाजी और जुएबाजी में मुलव्वस रहे हैं। जिस तरह से मोहम्मद आमिर का नाम ले लें, सलमान भट्ट का नाम ले लें, या इसके अलावा जो मोहम्मद आसिफ है उसका नाम ले लें, तो उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान का नाम बदनाम करवाया है, जिसके बाद बाबर आजम का जो नाम है वह पूरी दुनिया के ऊपर गर्दश में तो है, जिसके बाद कुछ लोग तो कह रहे हैं बाबर आजम ने सिर्फ और सिर्फ ये दिखावे के लिए किया है, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बाबर आजम जो इकदाम किया है ये बहुत ही अच्छा किया है। हालांकि ये बाबर आजम का जो इकदाम है बहुत ही अच्छा और शानदार है। बाबर आजम ने एक ऐसी सोच पैदा की है जो बहुत ही ज़्यादा मिस्बत और अच्छे अंदाज में सोची बिसोची की जाती है। बाबर आजम का जो इकदाम है पूरी दुनिया के अंदर सराहा तो जा रहा है, और कुछ लोग इस इकदाम को तमाशा भी बना रहे हैं।